बलौदाबाजार जिले के जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बेल्हा के सरपंच और सरपंच पति के ऊपर ग्रामीणों ने एसीबीएम और मनरेगा शौचालय निर्माण के राशि को गबन करने का आरोप लगाया है। फिलहाल ग्रामीणों ने मामले की शिकायत बिलाईगढ़ एसडीएम से की है और कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में जिला पंचायत का घेराव करने की चेतावनी दी है। जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेल्हा के सरपंच एवं सरपंच पति के ऊपर एसबीएम एवं मनरेगा शौचालय निर्माण की राशि 20,23,000 रुपए का गबन करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। बिलाईगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेल्हा के ग्रामीण के द्वारा एसबीएम एवं मनरेगा शौचालय जो कि स्वयं द्वारा निर्माण किया गया है उसकी राशि को सरपंच से मांग किया गया तो सरपंच के द्वारा ग्रामीण को पैसा नहीं आने की बात कहकर गाँव से बाहर चला जाता है, जिससे ग्रामीण परेशान होकर सरपंच के खिलाफ बिलाईगढ़ एसडीएम को लिखित शिकायत की गई है, जिसमें एसबीएम शौचालय निर्माण की राशि 11,76,000 रुपए एवं मनरेगा शौचालय निर्माण की राशि 8,50,000 रुपए को आहरण कर गबन कर लिया गया है। उस राशि को स्वयं हितग्राहियों के द्वारा जो कि शौचालय निर्माण किया गया है उसको दिलाने के लिए ग्रामीणों ने शिकायत दी है और अगर सरपंच के द्वारा शौचालय निर्माण की राशि एक सप्ताह में नहीं दी जाती है तो जिला पंचायत बलौदा बाजार को समस्त ग्रामीण घेराव करने की चेतावनी दे रहे हैं, जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन की होगी, जिस पर बिलाईगढ़ एसडीएम केएल सूरी ने आदेश जारी कर जनपद पंचायत सीओ बिलाईगढ़ को एक सप्ताह के भीतर शौचालय निर्माण की राशि दिलाने एवं जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए हैं। ग्राम पंचायत बेल्हा विकासखंड बिलाईगढ़ के काफ़ी संख्या में ग्रामीण जन मेरे अदालत में आज उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा शौचालय निर्माण की राशि नहीं मिलने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। उन लोगों ने अपने ज्ञापन में बतलाया है कि शौचालय की राशि 11,76,000 एवं मनरेगा की राशि 8,50,000 निकाल कर सरपंच ने गबन कर लिया है, उन्हें दिलाया जाए। इस पर हमने सीओ जनपद पंचायत बिलाईगढ़ को ज्ञापन लिखा है, उसी प्रकार करारोपण अधिकारी को पृथक से कब कब उस पंचायत की जांच किया है और उसने जांच में क्या पाया है उसकी स्थिति से प्रतिवेदित करने के लिए भी निर्देशित हमने किया है। और इस प्रकरण में जांच करने के बाद विधिवत कार्यवाही की जाएगी। बिलाईगढ़ से सहदेव सिंह सिदार की रिपोर्ट, एसीएन 24।